नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। जिले के गुड़ तहसील के बदवार ग्राम में 750 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित है। इनमें पिछले दो वर्षों से सफलतापूर्वक बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प ने सोलर पावर प्लांट का निरीक्षण किया। पावर प्लांट संचालन करने वाले 3 निजी कंपनियों के प्रतिनिधि और पावर गेट के अधिकारी के साथ ही कलेक्टर ने प्लांट की व्यवस्थाओं और बिजली के वितरण की चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि सौर ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल अच्छे ऊर्जा स्रोत है। वहीं भविष्य में सोलर पावर प्लांट ही ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन बनेगा। यह वर्तमान प्लांट पूरी क्षमता के साथ सफलतापूर्वक बिजली का उत्पादन कर रहा है। ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी वर्तमान प्लांट के विस्तार और जिले में अन्य स्थलों में सोलर प्लांट स्थापित करने के संबंध में संभावनाओं का पता लगाए। कलेक्टर ने सोलर प्लांट का निरीक्षण करते हुए इसे बिजली के उत्पादन, बिजली के वितरण, उपकरणों के रखरखाव, सोलर प्लेट की साफ सफाई, प्रदान की गई बिजली की राशि प्राप्त की जानकारी ली। वहीं पावर प्लांट के अधिकारियों ने बताया कि सोलर पैनलों की सफाई के लिए रोबोटिंग सिस्टम लगाया गया है। इसके साथ साथ पानी के माध्यम से पैनलों की सफाई की व्यवस्था है। सोलर प्लांट से उत्पादित 22% बिजली दिल्ली को तो 78% बिजली मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को दी जा रही है। निरीक्षण के समय SDM हुजूर अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार गुड़ सौरभ द्विवेदी, ऊर्जा विकास निगम के जिला प्रबंधक उपजीत सिंह अरोरा उपस्थित रहे। इसके बाद कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों से सुरंग के निर्माण गुणवत्ता, प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी, यातायात नियंत्रण और अन्य तकनीकी पक्षों की भी जानकारी ली। वही कलेक्टर ने कहा कि सुरंग मार्ग का निर्माण पूरा हो जाने से रीवा से सीधी के बीच की दूरी लगभग 7 किलोमीटर कम हो जाएगी। रीवा और सीधी के बीच यातायात सुगम होगा। रीवा तेजी से विकसित हो रहा शहर है। गुड़ में औद्योगिक विकास किया जा रहा है। इसके साथ रीवा सीधी मार्ग पर यातायात तेजी से बढ़ेगा। सुरंग निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण कराएं। इसमें प्रकाश, पानी के निकासी और यातायात में नियंत्रण की उचित व्यवस्था भी करें। निरीक्षण के समय उपस्थित निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरंग मार्ग का निर्माण पूरा करने के लिए दिसंबर 2023 तक की अवधि निर्धारित की गई है। इसका निर्माण 30 जून 2022 तक पूरा हो पाएगा। वहीं दीवारों में वाटर प्रूफिंग के लिए प्लास्टिक कवर लगाया गया है। सीपेज से आने वाले पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था की गई है। सुरंग के मार्ग में 3 लेन की 2 सुरंगें हैं। दोनों ही सुरंगों में 6 स्थानों पर सुरंग बदलने के लिए कट्स बनाए गए हैं। सुरंग में कैमरे, अनाउंसिंग सिस्टम, प्रकाश तथा पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है। टनल में यदि कोई वाहन रुकेगा तो कैमरे के माध्यम से कंट्रोल रूम को तत्काल इसकी सूचना मिल जाएगी। रीवा और सीधी के ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए जो टनल बनाया जा रहा है उसका निरीक्षण किया गया और ये लगभग अंतिम चरण में है और हम लोग कोशिश करेंगे कि बरसात के पहले इसको समाप्त करके और इसको उद्घाटन भी करा लें और इसको चालू भी करें। ये रीवा और सीधी दोनों ज़िले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। सोलर प्लांट तो देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हमने आज उसको अवलोकन किया है। बहुत ही अच्छा चल रहा है और अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही 253 मेगावाट पीक भी पर भी पहुंचा है प्लांट। सोलर प्लांट के अधिकारियों के साथ और जो पावर ग्रिड के लोग हैं उनके साथ भी हम लोगों ने बात की है। कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको कि रिजॉल्व किया जाए, लेकिन हम लोग लगातार उसको देखते रहेंगे ताकि ये हमारी जो अच्छी धरोहर है उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।